हे देयर लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। ये आपकी रीडिंग है फॉर दोस लिब्रास जो कि सेपरेटेड हैं और उनके पार्टनर का नेक्स्ट मूव फाइंड आउट करने के लिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ फॉर लिब्रास साइन। देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या है, क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से, वो क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। प्लीज यूनिवर्स गिव मी मैसेजेस फॉर लिब्रास पार्टनर्स नेक्स्ट मूव इफ दे आर सेपरेटेड। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं, अगर आप सेपरेटेड हैं, कोई बातचीत नहीं है, तो वो बातचीत करना चाहते हैं या फिर वापस स्पाई कर रहे हैं। हो सकते हो चुपके चुपके से आप पे नज़र रखते हो कि आप क्या कर रहे हैं आजकल। चाहे आप मैरिड कपल थे और थोड़ा कुछ जैसे क्लैशेस हो जाते हैं तो सेपरेशन आ जाती है, इस टाइप की कोई सिचुएशन है, या फिर आप अगर लव रिलेशनशिप में थे और आप में सेपरेशन लाइक ब्रेकअप हुआ है, इस टाइप की कोई सिचुएशन है, तो हो सकता है आपके पार्टनर जो वहाँ पर स्पाई कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया पर वो आपको देखते हो कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, या फिर वो आपसे बात करना चाहते हो। अगर वो आपसे दूर हैं तो आपसे बात करना चाहते हैं, वो इनिशिएट लेना चाहते हैं। देखते हैं कि आगे के कार्ड्स क्या आते हैं, फिर उससे रिलेट करके मैं इन इस कार्ड को, पेज ऑफ सोर्ड्स को, व्हील ऑफ फॉर्चून। सो डेफिनेटली वो उनमें एक चेंज आया है, एक बदलाव सा आया है उनके, हो सकता है बिहेवियर में, अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहते थे, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों में बातचीत नहीं है और अगर आप लोग बात करें तो चीज़ें बदल सकती हैं, एट ऑफ सोर्ड्स, और आप इस बाउंड्रीज से बाहर आ सकते हैं। कुछ नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि आपके पार्टनर ने अपने माइंड में रखी हुई है और होल्ड किया हुआ, अपनी फीलिंग्स को, अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। हो सकता है जो भी फाइट है, फाइटिंग सिचुएशन है, हो सकता है बहुत से लोग इन्वॉल्व हों इस सिचुएशन में, या फैमिली इन्वॉल्व हो, हो सकता है ये मनी मैटर में कोई क्लैश हो, मनी के हवाले से कोई क्लैश हो, या फिर फाइनेंसेस के हवाले से, प्रॉपर्टी के हवाले से, तो उसमें कुछ क्लैश हो सकता है आपका और आपके पार्टनर के दरमियान। फैमिली में क्लैश की वजह से आप दोनों में भी हो सकता है, और लेकिन आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी, जो बात नहीं है वो आपके बारे में वो ये सोचते हैं, और उन्होंने अपने आप को बाउंड किया हुआ है, अपने आप को बाउंड करके रखा हुआ है, बट वो बात करना चाहते हैं, अगर वो बात करेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन उन्होंने ही अपने आप को बाउंड करके रखा हुआ है, वो बात अभी नहीं करना चाहते। हो सकता है वो सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हों, लेकिन यहाँ पे सही वक्त है, डिवाइन टाइमिंग है उनको, वो अपने आप को इस, अगर इस एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकालते तो डेफिनेटली आप लोगों में कोई सिचुएशन मुझे नज़र आती है कि बातचीत हो सकती है। देखते हैं ये एट ऑफ सोर्ड्स क्या है फॉर लिब्रास पार्टनर के नेक्स्ट मूव के हवाले से। वो बात करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वो बाउंड हो जाते हैं, हो सकता है फैमिली उनको बाउंड कर देती हो, फैमिली की वजह से वो उस तरीके से सोच नहीं पा रहे जिस तरीके से वो आप उनको आपके लिए सोचना चाहिए। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई दिस एट ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली नहीं, नाइन ऑफ वॉन्ड है, डेफिनेटली अगर सेकंड चांस लेना चाहते हैं तो लें आपके पार्टनर आपसे, और बहुत सी एनर्जी गैदर करते हैं वो, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि
उनको स्टॉप कर देती है, सिक्स ऑफ वॉन्ड। डेफिनेटली उनको वो बिल्कुल कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से। और यहाँ पे फाइव ऑफ वॉन्ड दोबारा से आ गया है, तो वो कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं और दोबारा से सेकेंड चांस लेना चाहते हैं आपके बारे में। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें, कुछ क्लैशेज हैं, हो सकता है फैमिली उनको बाउंड कर देती हो, या कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव बातें हैं आपके बारे में वो उनको बाउंड कर देती हों। तो ये अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं है कि वो आपकी और आप उनकी कुछ बातें स्टार्ट हो सके। तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर हैं अभी, उनको इन नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकालना है, और वो फिर उसके बाद जो कि वो कोई नेक्स्ट मूव ले सकते हैं या फिर आपसे बात कर सकते हैं। अभी तो उनके सिचुएशन यही है कि नेगेटिविटी बहुत आई हुई है उनके माइंड में और वो कुछ बात नहीं कर पा रहे आपसे, या जो भी क्लैश है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे। सो लिब्राज, ये थी आपकी रीडिंग आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव के हवाले से। फिर से प्लीज लेट मी कन्फर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।